तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू माय शैडो फैमिली, आई होप के आप सभी बहुत मौज में होंगे। और हाँ यार, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हाँ दोस्तों, इसके साथ एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि है Q&A का अनाउंसमेंट। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही पहले Q&A किया था, जो कि 100K पे हुआ था। और आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 500K, मतलब कि हाफ मिलियन बोल सकते हो। तो दोस्तों, हाफ मिलियन के खुशी में एक Q&A का वीडियो तो बनता है। तो दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, आप लोग जाके मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके पूछ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक। आपको वहां 5 बजे मैं एक छोड़ूंगा पोस्ट, उसके नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो मुझे जो भी आपके मनचाह क्वेश्चन। और अगर आप आज का वीडियो मिस करते हो ना, तो भाई आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिस मैं लेके आया हूं, और उसके साथ गिल्ड के रिक्वायरमेंट भी लेके आया हूं, ताकि आप लोग हमारे ऑफलाइन गिल्ड के हिस्सा बन सको। और हाँ यार, आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट देते रहो, क्योंकि ये मुझे हर आगे की वीडियो के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं यार। स्टेप 1, समन एयर ड्रॉप को लो, वो चार्ज नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, अपने हाथ में लो। स्टेप 3, इमोट को यूज करो। स्टेप 4, अपने स्क्रीन को हिलाते हुए फायर बटन को यूज करो और मैजिक देखो। भाई इसमें भी कोई मैजिक है? ओके, सो मैं अभी ला चुका हूँ अपने साथ एक समन एयर ड्रॉप, उतर चुका हूँ यहाँ एक वीरान सी जगह पर। ओके, सो अभी अपने हाथ में पहले समन एयर ड्रॉप पकड़ लेते हैं। हाँ ठीक है, पकड़ लिया। अभी इमोट यूज करके स्क्रीन को हिलाते हुए फायर बटन को यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। OMG भाई, ऐसा भी हो सकता है, मैं कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप समन एयर ड्रॉप को बिना चार्ज के अपने हाथ में पकड़ के इमोट दिखा के किसी भी डायरेक्शन को स्क्रीन को रोटेट करके फायर करते हो ना, तो आपके इमोट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि अभी अपने दोस्तों को लेकर गेम के अंदर जाओ, गेम के अंदर जाके उनको ये अजूबा चीज दिखाना। और सही बता रहा हूँ यार, वो लोग बहुत ही ज्यादा पूछेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोग बिल्कुल मत बताना और मजे लेना बस। एनहेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। अपने गन वाले सेशन पे जाओ, वहां पर कोई भी एक गन को चूज करो, फिर देखना आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाओगे। और अगर आप उसे कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, तो फिर वो अपने पोजीशन में बैक आ जाएगा। अच्छा, ओके, सो ये बात का मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं है। अभी चलते हैं पहले अपने वेपन सेक्शन पर, और फिर जाके कोई एक गन के साथ इसे ट्राई करते हैं। एंड लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। और एक बात बता देता हूँ कि ये वाले अपडेट के बाद ना, गरीना ने अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे कि एनिमेशन में और दोस्तों सिस्टम क्वालिटी में। और हाँ, कुछ ही दिनों में बर्मुडा में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, आप लोग बस इंतजार करो। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। पुर्गेटोरी में जाओ, वहां पे जाके मोथ हाउस के लेक पे लैंड करो। वहां पे लैंड करने के बाद गेम को रीस्टार्ट कर दो, उसके बाद देखना आप पानी में भाग सकोगे, बैठ भी सकोगे। भाई रीस्टार्ट करने के बाद क्या पानी भी जमीन बन जाता है? सही बता रहा हूँ यार, अगर ये चीज कंफर्म नहीं हुआ ना, तो 10 रुपए वसूल करूंगा तुमसे। चलो यार, वसूली भाई अपन बाद में बनेंगे, पहले यार ये मोथ हाउस कहाँ पर है? ओके, सो बहुत दूर है। ओके, ठीक है, तो हम लेक के बहुत ज्यादा नजदीक अपना प्लेन जा रहा है, तो अभी लैंड कर लेते हैं और पानी में जाके उतर के गेम को रीस्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सच में भाई का बात सचमुच में सच हो जाता है कि नहीं।
ना यार बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है जब आप पानी में उतरे होगे ना तो वो जमीन के बहुत ज्यादा किनारे होगा, इसलिए आप जमीन में भागे होगे और आपको लगा होगा जैसे कि आप पानी में भाग रहे हो। अरे मुझे मार कौन रहा है, चलो यार कोई बात नहीं। एंड हिंस द मिथ्स बस्टर्ड। स्टेप 1 क्लासिक मैथ स्टार्ट करो, स्टेप 2 हैंड कैनन लो, स्टेप 3 बाइक के पास जाओ, स्टेप 4 हैंड कैनन के बटन को होल्ड करके रखो और बाइक पे एंटर कर दो और फिर देखो मैजिक। सो गाइस अभी मेरे पास है बाइक और एक हैंड कैनन, तो चलिए वही चीज को आजमाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ यार आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हो, जब आप फायर बटन को होल्ड करके एंटर कर लेते हो ना गाड़ी पे तो आपका हाथ बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है। और हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, आपके दोस्त को आप ऐसे दिखते हो जैसे कि आप गन पकड़ के गाड़ी के ऊपर खड़े हो। और भाई सही बता रहा हूँ यार, आपका दोस्त ना सबसे ज्यादा चौंकेगा जब आप ये चीज उसके सामने करोगे। तो अभी जाओ गेम के अंदर ट्राई करो एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। नया गन पाराफल और ऑग गन का साउंड बिल्कुल सेम है। अच्छा ओके, सो मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, बट अभी दोनों गन को लेते हैं और करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अब यार यहाँ से तो मैं दो गन को ले चुका हूँ, अभी फायरिंग का साउंड सुनते हैं और पता लगाते हैं क्या दोनों गन का साउंड बिल्कुल सेम है। अब क्या ही बताऊं यार, दोनों ही गन्स में साउंड इफेक्ट के बारे में अगर बोला जाए तो मुझे भारी मात्रा में डिफरेंसेस देखने मिले। आपको क्या मिले मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। स्टेप 1 क्लासिक मैच में जाओ, स्टेप 2 लैम्बोर्गिनी लो, स्टेप 3 क्लॉक टावर के पास वाले ब्रिज में जाओ जहाँ पे छोटे छोटे हाउसेस होते हैं, स्टेप 4 ब्रिज के बीचों बीच गाड़ी को लेके खड़ा कर दो, फिर गेम को थोड़े 5 सेकंड के लिए मिनिमाइज कर दो और देखो मैजिक। भाई आजकल ना सच भी बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मैजिक देखने को मिल रहा है। ओके सो भाई ने जैसे बोला है वैसे ही करते हैं, अभी चल पड़ते हैं हम लोग बिल्कुल क्लॉक टावर के वो लंबे वाले ब्रिज पर, सॉरी छोटा वाला ब्रिज है तो यहाँ पर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। अभी गेम को करते हैं 5 सेकंड के लिए मिनिमाइज और देखते हैं क्या होता है। तो अभी काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मिनिमाइज मैं कर लेता हूं, ठीक है मिनिमाइज 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों 5 सेकंड हो गए। अब गेम को फिर से बैक ले आते हैं, बट यार यहां पे मुझे कुछ नहीं देखने को मिला, तो ठीक है यार अब मिनिमाइज का काम तो हो गया। अब गेम को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं वही वाले जगह को लेकर और देखते हैं क्या होता है। हाँ यार बिल्कुल मेरा सोच 100% सच निकला। देखो आपको ना यहाँ पे गाड़ी को लाना है और गेम को मिनिमाइज नहीं करना, आपको गेम को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और पता नहीं यार गेम को आप जब रीस्टार्ट करके वापस आते हो गेम में, आपका गाड़ी जमीन के नीचे चला जाता है। और ये कैसे होता है सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बट यार हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। अब यार मैं कुछ ही दिनों से कमेंट सेक्शन में यह पढ़ रहा था कि भाई हमें आपका गिल्ड ज्वाइन करना है, प्लीज यार आपके गिल्ड में हमें ले लो। तो ठीक है भाई हम बहुत सारे लोगों को अपने गिल्ड में लेने वाले हैं, इसलिए हम लोग एक नहीं बल्कि 7 से 8 गिल्ड अब तक के अंदर खोल चुके हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा स्पेसेस भरे पड़े हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपने लेवल को 60+ करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट यह है कि आपको अपने KD को 4 के पास या 3.5 भी रखोगे तब भी चलेगा, बट ये स्क्वाड में रखना है, ठीक है। यही दो रिक्वायरमेंट है, आप लोग बिल्कुल इजीली आ सकते हो हमारे गिल्ड में। नीचे हमारे गिल्ड के UIDs हैं, आप लोग जाके रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सभी लीडर्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस यार ये छोटे-छोटे रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा लाइक करना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। और हां एक और बात, Q&A के बाद याद है ना, Instagram पे जाके फॉलो
फॉलो करना, 5 बजे नोटिफिकेशन आने वाला है Q&A के ऊपर। वहाँ पे जाके भी आप लोग अपने मनपसंद क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर लेके आने की ट्राई करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मिथ्स पर भी वीडियो बने तो नीचे कॉमेंट करना नए नए इंटरेस्टिंग मिथ्स, और मैं वही मिथ्स को चूज करूंगा जिसपे ज्यादा से ज्यादा लाइक हो। ठीक है, तो लाइक करना जो आप लोग कल देखना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।